इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। पहला क्वेश्चन, 130 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? ऑब्जेक्ट ऑप्शन मीका, कपास, सिंथेटिक रॉल, ये सभी। तो जो मीका का उपयोग 130 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक उपयोग किया जा सकता है, मीका एक सामग्री है मतलब। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध मिश्र धातु के किस धातु के रूप में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन निकल, निकल क्रोमियम मिश्र धातु धातु और मिश्र धातु और ए और बी। तो ए ऑप्शन ये सभी, तो इसका ऑप्शन ई सही है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी ग्रेडेड एल्यूमिनियम की शुद्धता कितनी होती है? ऑप्शन 95%, 98.3%, 99.5%, 97.5%। तो इसका सही ऑप्शन है सी। जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड एल्यूमिनियम की जो शुद्धता होती है वो होती है 99.5% तक। कितनी? 99.5% तक। अगला क्वेश्चन, इक्वलाइजर बस क्या अर्थ है? इक्वलाइजर बस का क्या अर्थ है? ऑप्शन समांतर में सबसे अच्छी कनेक्टिंग सीरीज, फील्ड श्रृंखला में श्रृंखला क्षेत्रों को जोड़ने वाली बस, समांतर में फ्रंट फील्ड को जोड़ने वाली बस, श्रृंखला में सबसे अच्छा कनेक्टिंग कनेक्टिंग फील्ड कनेक्टिंग फ्रंट फील्ड। इसका ए ऑप्शन सही है, समांतर में सबसे अच्छी कनेक्टिंग सीरीज फील्ड की में जो एक लगे बस का ये अर्थ है, इस समांतर में कनेक्टिंग सीरीज फील्ड। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन गति नियंत्रण बोर्ड लियोनार्डो पद्धति का उपयोग करता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, रोलिंग मिल मिले और कोलियरटी वाइंडिंग मोटर, लिफ्ट एंड लिफ्ट, ए और बी। तो इसका सही ऑप्शन है ई। ई ऑप्शन सही है। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही है, रोलिंग मिल, कोलर टी वाइंडिंग और लिफ्ट एंड लिफ्ट और लिफ्ट और ए और बी। तो उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, कोल हैंडलिंग प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाली डीसी मोटर्स के लिए किस प्रकार का एगुला एनक्लोजर उपलब्ध कराया गया है? तो ऑप्शन स्क्रीन संरक्षक, खुला प्रकार, पूरी तरह से संलग्न पंखा, ठंडा और ड्रिफ प्रूफ। इसका सी ऑप्शन सही है, मतलब पूरी तरह से संलग्न ठंडा पंखा ठंडा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यूनिवर्सल मोटर्स का अनुप्रयोग है? तो ऑप्शन देखते हैं, वैक्यूम क्लीनर, प्रशंसक,
हेयर ड्रायर वॉशिंग मशीन, यू वैक्यूम क्लीनर है उसमें यूनिवर्सल मोटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर में उपयोग किए जाने वाले कैपेसिटर का विशिष्ट मूल्य क्या है, क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, 5 माइक्रोफेरड, 40 माइक्रोफेरड, 300 माइक्रोफेरड या 1000 माइक्रोफेरड। तो इसका होता है 300 माइक्रोफेरड। जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर की बात कर रहे हैं, देखो तो इसका चित्र बना के ऊपर दिखाता हूँ। तो देखिए ये होगी मेन वाइंडिंग, ठीक है, यह होगी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यहाँ लगा दी कैपेसिटर, ये यहाँ सप्लाई दे दी, ये मेन वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग, ये कैपेसिटर स्टार्ट, ये यहाँ लगा दी जाती स्विच, यहाँ लगी दी कैपेसिटर रन, ये 300 माइक्रोफैरड का होता है। अगला क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग होता है? एसी करंट को बढ़ाना, मापना और सुरक्षा, एसी करंट को कम करना या एवी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन है सभी, देखते हैं। मुख्य वाइंडिंग और स्टार्ट वाइंडिंग में किस कोण पर अंतर एक स्प्लिट फेज कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में अलग होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 विद्युत डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो मेन वाइंडिंग अभी जैसे हमने बनाता है सिंगल फेज मोटर बनाया था, तो उसमें जो मेन वाइंडिंग ये थी और ये थी एक सहायक वाइंडिंग और लई वाइंडिंग जो स्टार्ट करने के लिए। तो ये इन दोनों के बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है, फेज डिफरेंस। डीसी मोटर्स में ब्रश के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है डीसी मोटर के ब्रश निर्माण में? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, सीसा, कॉपर, ग्रेफाइट, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। देखिए सीसा का उपयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है, कॉपर का भी नहीं करते, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं ब्रश को बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न वोल्टेज प्रेरण मोटर की सुरक्षा के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन, HRC फ्यूज, संपर्ककर्ता स्टार्टर, थर्मल अतिभार रिले, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, सभी। तो HRC फ्यूज को पहले, निम्न वोल्टेज प्रेरण मोटर की सुरक्षा के लिए की बात कर रहे हैं, तो किसी का उपयोग करें, हम HRC फ्यूज भी यूज कर सकते हैं। हाई HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और संपर्क करता है स्टार्टर से की सहायता से मोटर को सुरक्षित कर सकते हैं, और थर्मल रिले ओवर हीट वाले के लिए उससे भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये अप्रोच सभी सही है। अगला क्वेश्चन, टैप टेन चेंजिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए, या फिर वोल्टेज को ऊपर और नीचे दोनों करने के लिए, या वोल्टेज कम वोल्टेज करंट बिजली उपकरणों की वृद्धि के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी। देखिए अब अगर हम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो उसकी सहायता से हम वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, यह है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग,
और ये समझ लो सेकेंडरी बाइंडिंग, एक तार निकाल लिया, यदि हम यहाँ से निकाल टर्न निकाल सकते हैं, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी जोड़ते हैं, देखो ये अगर यहाँ जोड़ेंगे तो कम टर्न रहेंगे तो करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज मतलब घट जाएगा, और यहाँ से तो थोड़ी और वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो और वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसलिए वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं टैपिंग की सहायता से। अगला क्वेश्चन, मीटर एक स्पेस यंत्र है, मीटर मतलब कौन सा यंत्र है, निरपेक्ष साधन या माध्यमिक साधन, रिकॉर्डिंग उपकरण या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो क्या है ये, एक ये माध्यमिक उपकरण है ये अमीटर, अगर हम अमीटर की बात कर रहे हैं, अमीटर की सहायता से हम धारा को मापते हैं, और जो कि एक जो है माध्यमिक माध्यमिक साधन है अगला क्वेश्चन, भारत में ट्विन कंडक्टर बंडल का उपयोग किस वोल्टेज के लिए किया जाता है, 200 केवी, 200 केवी, 330 केवी, या फिर केवी के पास 550 केवी,